आज अब्दुल्ला की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला। हाँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज बग़ैर टाइम वेस्ट किए, बग़ैर कुछ और दिखाए, व्लॉग में मैं आपको सबसे पहले अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दी है। मैंने आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ करेला काट के उसको नमक से धोकर अच्छी तरह, जैसे कि आप धोते हैं, और उसको ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया। अच्छा, मैं आपको निशानी बता दूँगी कि कितना हमने ऑयल में फ्राई करना है। ये कीमा भिगोया हुआ था मैंने पानी में। अच्छा, कीमा भिगो के मैं इसको निचोड़ के फिर डालूँगी। निचोड़ा ऐसे कि उसको किसी जाली वाली चीज़ में निचोड़ के फिर डालना है। अच्छा, पहले मैंने करेले चढ़ा दिए। काफ़ी टाइम लगता है करेले फ्राई होने में, मैं बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी। अच्छा, काफ़ी सारे लोग करेले को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, जिसकी वजह से करेले कड़वे हो जाते हैं। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि जब आप जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह आप बनाएंगे तो एक तो आपके करेले कड़वे नहीं होंगे, दूसरा इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा बनेगा कि आप बिरयानी और कोरमे को भूलकर सिर्फ यही बनाएंगे। ये वो वाले करेले कीमा है जो दावतों में बनाए जाते हैं। तो आप रेसिपी को पूरा देखिएगा। ये जब देखें, मैंने बस इतना इसको फ्राई किया है कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया, और फिर मैं इसको ऑयल में से निकाल रही हूँ। करेलों को ऑयल में से करेलों को निकाल दूंगी, तो फिर आप देखिएगा कि मैं उसके अंदर क्या करती हूँ। प्याज मैंने काट के रखी हुई है। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। प्याज मैंने काट के रखी हुई थी, अब उसी ऑयल में मैंने ये प्याज डाल दिए। प्याज को भी बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं करेले में प्याज को, और करेलों को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, तो हमने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जैसा मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ सेम वैसे ही आपने बनाने हैं। आज के व्लॉग में मैं कुकिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं डिसहार्ट हूँ इस वजह से कि आप लोग जो है वो मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं। मैं इतने दिल से वीडियो बनाती हूँ, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा, ये देखिए, मैंने स्ट्रेनर में अच्छी तरह धोकर कीमे को स्ट्रेनर में छान लिया, और अब मैं बिल्कुल इसका एक एक कतरा पानी जब ख़त्म हो गया तो मैंने इस प्याज में डाल दिया। प्याज को देखा है आपने, मैंने इतना ज़्यादा नहीं ब्राउन किया है, सिर्फ 4 to 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर प्याज को ब्राउन किया और उसमें एक कीमा डाल दिया। अच्छा, जब आप कीमे का पानी अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे तब आप कीमे को प्याज में मिक्स करें, उससे पहले नहीं करें, वरना आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। इस रेसिपी का जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप प्लीज़ पूरी रेसिपी अच्छे तरीके से देखें, एक एक स्टेप देखें मैं किस तरह बना रही हूँ। ये 2 चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, और उसमें ग्रीन चिलीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने ऐड की हुई हैं। 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टीस्पून डाला है, और ये आप देख रहे हैं 2 टीस्पून मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, और इसी वक्त डालना है, पहले से आपको नहीं डालना है। पहले से ऑयल में ज़ीरे को फ्राई नहीं करना है। फ्लेवर इन्हेंस इस तरह से होगा जैसे मैं बता रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से स्टेप फॉलो करना है और इसी तरह आप बनाएं। तो अब मैं कुकिंग के भी और दूसरे अपने व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। असल में टाइम नहीं मिला था मुझे व्लॉग में और कुछ ऐड करने का, बना के तो रखे हुए हैं मैंने वीडियोस, तो मैं आपको और भी व्लॉग बना बना के यूट्यूब पे डाला करूँगी, तो आप देखा करिएगा। ये 3 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। आपने शुरू से तो रेसिपी देखी है कि मैंने सबसे पहले करेलों को फ्राई कर लिया 10 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं किया। जब करेले में ऑयल ऊपर आ जाए तो आप फ्राई कर दें। फिर मैंने प्याज डाली, और फिर उसके बाद कीमा, लहसुन अदरक। अब मैं ये टमाटर कटे हुए थे जो गोल गोल मैंने काटे थे, छिलका उतार के वो डाले हैं, और इसमें 2 हरी मिर्चें और हैं जो कि कटी हुई हैं। पहले हमने साबुत हरी मिर्चें डाली थी, अब हमने कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। तो अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दें, और जब आप टमाटर को मिक्स कर देंगे तो इसको आप ढक्कन ढक के, इस तरह से ढक्कन ढकें और आँच को, फ्लेम को हाई कर दें।
हाई करके इसको आपने पूरे 6 to 7 minutes इतनी हाई फ्लेम पर 6 to 7 minutes आपने पकाना है। 6 to 7 minutes मैंने बनाया है। उसके बाद आप देखें सारा जो टमाटर का और हरी मिर्चों का फ्लेवर था वो इस कीमे में आ चुका है और इतनी खुशबुएँ उड़ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें हमने गरम मसाला ऐड नहीं किया है, आप भी नहीं करिएगा कोई गरम मसाला साबुत या पिसा हुआ ऐड नहीं हुआ। इस टाइम पे मैंने नमक डाला है, नमक मैंने आप देख रहे हैं इतना डाला है कि 1/2 teaspoon से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, इससे ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि जब हम करेलों को धोते हैं नमक और पानी में डाल के भिगो देते हैं और फिर निचोड़ देते हैं तो उससे नमक हमारे करेलों में ऑलरेडी आ जाता है। ये मैंने भर भर के 1 चम्मच लाल मिर्च डाली 1 teaspoon और 1/2 teaspoon आपने इसी तरीके से डालना है। और मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला। तो अब ये मिर्चें डाल दी, अब मैं हल्दी डाल रही हूँ उसमें। ये देख रहे हैं आप 1 चम्मच हल्दी मैंने डाली। बहुत आसान रेसिपी है और इसी तरह से अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा, खुशबू दूर दूर तक इसकी जाती है। 2 teaspoon मैंने भर भर के ये धनिया पाउडर डाला है, मतलब आपका 1 tablespoon बनेगा। और ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। रेसिपी को पूरा इसी तरह फॉलो कीजिएगा, सारे स्टेप्स आपने देखे हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है। और इसी तरह बनाना है, ज़ीरा पहले नहीं डालना है, गरम मसाला इसमें ऐड नहीं होगा, कोई इमली या कोई और चीज़ ऐड नहीं होगी। इसी तरीके से अच्छी तरह से मसाला भूनना है कीमे के साथ। जब आपने मसाला भून गया, ऑयल ऊपर आ गया तो जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिया। हम लोग बीज भी डालते हैं, अगर आप लोग बीज पसंद नहीं करते तो आप करेले को बीज के बगैर भी बना सकते हैं, जिस तरह भी आप कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। और ये जो मैंने कीमे का मसाला बनाया है इसको और खुशक करके आप करेलों में भर के भी बना सकते हैं बीच में से कट लगा के। अच्छा, मैंने करेले के छिलके नहीं उतारे हैं, फिर भी जो है वो इतने मज़ेदार बने थे करेले के आप सोच नहीं सकते, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल इसी तरह आप बना के एक बार खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और आपने इस तरह बनाया या नहीं। और आप किस किस शहर से मुल्क से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो जहाँ से भी आप देख रहे हैं, इंडिया से, तुर्की से, पाकिस्तान से, कराची से, जहाँ से भी आप देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ये करेले की रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करें, आपको मज़ा आने वाला है। इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना कि आपके होश उड़ जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बने थे करेले। अब मैं इसको, जब ये आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ रहा है इसका अभी भी, जबकि अभी ये रेडी नहीं हुए, अभी कीमा भी गलेगा, अभी हमने इसको ढक के रखना है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं ढक के रख देती हूँ और उसके बाद आप देखिएगा कि क्या जादू होगा और क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आएगी। बिल्कुल हल्की आँच पर मैंने ढक के रख दिया था इसको तकरीबन 25 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो सारा ऑयल जो है वो आ गया ऊपर और इतनी खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था उसी वक्त निकाल के खा लूँ। तो आप देख लें कि ये बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया। अच्छा, मैं इसी टाइम पे थोड़ी सी और बुनाई करूँगी, फुल आंच करके थोड़ा सा और बुनाई करूँगी ताकि जो कीमे ने और करेले ने पानी छोड़ा है थोड़ा बहुत वो भी खुश्क हो जाए। उससे ये होगा कि आप इन करेलों को फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी करेले में रह जाए और या कीमे करेले में तो फिर आप उसको ज़्यादा दिन नहीं, 1 से 2 दिन तक खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आपने सफ़र पे जाना हो, किसी जर्नी में जाना हो तो आप जो हैं वो थोड़ा सा और भून लें कि इसका जो पानी है गोश्त का और करेले का ये खुश्क हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसमें देखें आप गरम मसाला नहीं डाला, हम बस ये रेसिपी रेडी हो गई है। आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, ब्लॉग्स को देखते रहें और भी मैं आपके लिए ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी इसी तरीके से। और आपको पप्पा को अपने पप्पा ने जो मेरे सालन बनाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो गया, यहीं पे चूल्हा बंद कर देते हैं। ये पप्पा ने जो है ना सालन बनाया और ये वाला मैंने बनाया था। पप्पा अच्छा बनाया सालन आप। और ये शिबली है,